Hi guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Nilofer and you're watching me on Nilofer's review tube. तो जैसे आपको पता है कि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके लिए लाती हूँ सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू और हॉल भी होते हैं मेरे चैनल पे और आपको व्लॉग्स भी मिल जाएंगे. लास्ट वीक मैंने 2 व्लॉग्स किए हैं, अपने ट्रैवल व्लॉग्स किए हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखें, आप इंजॉय करोगे. और अभी मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरा वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो अभी मींस बहुत नीड है, उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा नीड है. जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट हो गए हैं तो हमें अपनी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र की नीड है. स्किन जिनकी ऑयली है वो भी ड्राई हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है, डिहाइड्रेटेड सी है. तो उसके लिए आज मैं करने वाली हूँ लैक्मे के इस पीच मिल्क का रिव्यू. जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मॉइस्चराइज़र है लैक्मे का, ये लैक्मे ब्रांड का है और लैक्मे एक बड़ा नाम है, अच्छा खासा ब्रांड है. बट मीन्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं लैक्मे के वो काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं और अच्छे होते हैं. जैसे ये लैक्मे का पीच मिल्क है, ये बहुत बहुत अच्छा है और मैं विंटर्स में इसको ही यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये ऑल स्किन टाइप है. मीन्स इसको ड्राई स्किन वाले और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है वो सारे यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, सॉरी ऑयली है और बहुत ज़्यादा ऑयली है. बट इवन देन अभी जब विंटर स्टार्ट हुए हैं तो डिहाइड्रेट हो रही है स्किन और मेरी स्किन पे भी ड्राइनेस आ रही है, रैशेस से आ रहे हैं, पैचेस से आ जाते हैं ना कहीं कहीं पे ड्राई पैचेस, तो वो आ जाते हैं क्योंकि हम अभी विंटर्स में थोड़ा सा वाटर वगैरह कम लेते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये बहुत बहुत अच्छा है, इंस्टेंट ग्लो भी देता है आपको. आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही लाइट फील होता है. मीन्स जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि जब वो इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही लाइट फील देता है, बिल्कुल ऑयली नहीं करता है या ना ही पिंपल वगैरह की दिक्कत होती है. तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, जो इसका प्राइस है वो 199 रुपीज़ का है. अभी जब मैंने लिया था तब ये 199 का था और फ्लैक्चुएट करते रहते हैं रेट, कभी कभी डिस्काउंट भी आ जाता है तो आप देख सकते हो. और यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं कि दिस लाइट मॉइस्चराइज़र इज़ इन्फ्यूज़्ड विद द गुडनेस ऑफ पीच मिल्क एंड ऑल. मीन्स इस टाइप से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इस पर देख सकते हो. इसमें पीच मिल्क है और ये स्किन को इंस्टेंटली आपके बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा फील देता है और प्लस इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. और ओवरऑल मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत अच्छा है. इस रेंज में आपको इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं मिलता है. विंटर सीज़न अभी स्टार्ट हो गए हैं तो आप इसको ज़रूर बाय करें, परचेज़ करें और इसको आप लगा के देखें कैसा लगता है आपको. और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी वेल नोन ब्रांड है. और पीच मिल्क इसको लगाने के बाद ना आपको बहुत ही लाइट इफ़ेक्ट मिलता है आपके फेस पे, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है और सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन लगती है. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लाइट है और बहुत ही सूदिंग सा है, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, सूदिंग इफ़ेक्ट देता है. तो मुझे ये बहुत पसंद है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग में आता है. मीन्स देखिए इसकी बॉटल काफ़ी अच्छी है, हैंडी है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो. फ्लिप वाला इसका जो फ्लिप कैन है आप ऊपर फ्लिप कर सकते हो, मतलब उतना ईजिली खुलता भी नहीं है कि बच्चे खोल के और बर्बाद कर सके. तो फ्लिप है और अच्छे से टेक्सचर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ऑयली ऑयली फील नहीं कराता है, ऑयली लुक नहीं देता है आपको, एक स्मूथ फिनिश देता है और ग्लो भी आ जाता है. और जो इस रेट में 199 रुपीज़ में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया है. क्वांटिटी भी मैंने आपको इसमें दिखाई है, 120 ml क्वांटिटी मिल जाती है आपको. तो मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है और मेरा फेवरेट है. तो जो लोग इसको यूज़ कर रहे हो मुझे प्लीज़ अपने अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगता है. तो मुझे पसंद है और इस तरह से देखिए इसको हम खोल के आराम से यूज़ कर सकते हैं. तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब ऐसे दिक्कत हो रही है. तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा बॉटल ख़त्म होने वाला है
और अभी विंटर स्टार्ट ही हुए हैं और एक बॉटल मेरा फिनिश हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली यूज़ में भी ये लगाती हूँ। आप इसको बॉडी पे भी लगा सकते हो और फेस पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेस पे नहीं लगा सकते। मॉइस्चराइज़र है और सारी स्किन टाइप को सूट भी करता है, एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है आपको। लैक्मे का ब्रांड तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और ये मेरा पर्सनल सजेशन था, ये कोई पीआर पैकेज नहीं है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको इसका रिव्यू कर दिया है कि आप भी चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी बस वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।